कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका, चलेगा उन पर केस। सीएम सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के इस मामले में जांच के आदेश दिए थे वो सही है, केस में जांच की जरूरत है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की इजाजत दी थी। सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में जमीन आवंटन से जुड़े मामले में घोटाले का आरोप है। अटेम्प्ट्स थे हाईकोर्ट के द्वारा उसको स्टे करने का, उसको खारिज कर दिया है। सिद्धरमैया जी रिजाइन करें और राहुल गांधी ये जो लैंड स्कैम और करप्शन स्कैम जो हो रहे हैं उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कर्नाटक सीएम ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की जा सकती है। इस पिटीशन की सुनवाई पूरी होने तक जनप्रतिनिधि कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जा सकती है। अगर डबल बेंच याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेती है तो सिद्धरमैया को राहत मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर डबल बेंच से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और तब तक सिद्धरमैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। जिस तरह से सिद्धरमैया साहब को टारगेट किया जा रहा है इससे एकदम साफ है, बीजेपी को हमें जो इतनी बड़ी जीत मिली थी, इतना बड़ा मैंडेट मिला था, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मुड़ा घोटाले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से दस्तावेज तलब किए हैं। बिहार में मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट से बवाल, बढ़ती उम्र पर किया था तंज, बाद में दी सफाई, बोले नीतीश मेरे मानस पिता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अशोक चौधरी ने ये कविता शेयर की थी। कविता का हेडर था, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद कुल 9 समस्याएं और बढ़ती उम्र में उन्हें छोड़ देने की सलाह दी। अशोक चौधरी के इस पोस्ट पर सवाल ये उठा कि आखिर उनके निशाने पर कौन है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अशोक चौधरी को सीएम हाउस तलब किया गया। करीब 1.5 घंटे अशोक चौधरी सीएम हाउस में रहे। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं, जो मेरा नेता है जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं। अशोक चौधरी की पोस्ट ने आरजेडी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। आरजेडी नेता कहते हैं कि जेडीयू में अब बगावत शुरू हो गई है। वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार जी पद के लिए नहीं जाने जाते हैं, जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अशोक चौधरी पहले भी विवादित बयान से चर्चा में रहे हैं। 31 अगस्त को उन्होंने भूमिहारों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।